हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं घूमने। डेली व्लॉग की तरह ऐसे नहीं है कि कुछ भी बना दिया कुछ भी डाल दिया। अब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं जा रहा हूँ ऑफ रोडिंग करने। अपनी गाड़ी से नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने F9 गो कार्टिंग की वीडियो बनाई थी ना, आपने जैसे देखी होगी, तो उसी तरह ये। लेकिन वहाँ पर रेसिंग नहीं होती, वहाँ पर होती है ऑफ रोडिंग। मेरे को मतलब अच्छे से उसका नाम ध्यान नहीं है कि कहाँ है वो, मतलब ये पता है कि GFR रोड पे है, लेकिन ढंग से नाम नहीं पता। मैंने एक बार देखा था जब मैं फरीदाबाद से गुड़गांव आ रहा था, तब देखा था, और अब जा रहा हूँ तो आपको भी दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है, चलते हैं। अरी है मेरी बहन, तो ऐसे कहूँ जब भी कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं अपनी बहन को ही ले जाता हूँ। दोस्तों से पूछता हूँ, वो उस कईयों का मन नहीं करता, कईयों के पास पैसे नहीं होते और कईयों का जाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं अपनी बहन को ले जाता हूँ। लड़ती है लेकिन मान जाती है। बैठ बैठ बैठ, चलते हैं। अपने फोन में वो खोले गूगल मैप। तो हम अभी आ गए हैं GFR रोड पे, और साइड में से देखो एक चीज दिखाता हूँ, गाड़ी जा रही है। यही तो फायदा है यहाँ पे का, यहाँ पे मतलब कि बढ़िया बढ़िया गाड़ी आती रहती है, सुपर बाइक भी आती है यहाँ। वैसे है कौन सी गाड़ी पता नहीं, कौन सी में एडवेंचर जोन, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है ऑफ रोडिंग वाली। अब अंदर चल के देखते हैं, अगर खुला होगा तो बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पे खुद की गाड़ियों से करना पड़ता है एडवेंचर वगैरह सब, आई थिंक सो। यहाँ पे ट्रैक व्रैक तो बनने पड़े, देखो ये सारा ट्रैक बन रखे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी आगे, मैं बाहर चल कर दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे तो ना बंद पड़ा है शायद से, हाँ ये बंद पड़ा है, लेकिन गूगल पे ओपन दिखा रहा था। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, जो जगह मेरे को पता है ऑफ रोडिंग की। अब हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। थी वो जगह ये रही, और बाकी गाड़ी ये खड़ी, और बस यहाँ पे जाके देख क्या ना खुला है कि बंद है। भाई मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा वैसे यहाँ पे कि ये खुला है या नहीं, एक बार बस देखना है। काश खुला हुआ यार, चलो देख के बताता हूँ खुला है कि नहीं। ये खुला पड़ा है, इसमें सारी जानकारी वगैरह भी दे दूँगा। पहले गाड़ी यहाँ खड़ी कर देता हूँ नीचे, और उसको भी बोल दूँगा। अभी चलते हैं, फिर बताता हूँ सारी जानकारी इनसे पूछ के। ये अपनी ये खड़ी, और इस जगह का नाम है ड्रिंकिंग सफारी। ये है GFR वाले रोड पे, लेफ्ट साइड की तरफ पड़ेगा, देखो ऐसा ही अंदर से। इसमें तीन तरह की आती हैं ATV है, एक आती है 600, एक आती 600 वाली, एक आती 700 वाली, और एक आती कपल वाली। कपल में होते हैं कि दोनों साथ बैठ के मतलब आगे पीछे बैठ के चला सकते हैं अपना, और 600 में मतलब कि थोड़ी कम पावर आती है, 700 में थोड़ी ज़्यादा पावर आती है। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने मेरे को यही बताया है। और इन सबसे पहले जैसे कि F9 को कटिंग में फॉर्म भरना पड़ता है ना, एक वैसे यहाँ भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो मेरी बहन फॉर्म भर रही है, मतलब सारी डिटेलिंग कर रही है। और वो वहाँ पे वो लेने गए हैं, वहाँ पे वो बाहर खड़े रहते हैं, आपको दिखाई दे ना बाहर रोड पर, वो लेने गए हैं वो, फिर आते फिर दिखाता हूँ आपको। एक ऐसी रही, और एक सामने से भी ले के आ रहे हैं। ये वाली कौन सी भैया?
600 सीसी 200 सीसी है, 600 में 3 राउंड है। अच्छा जंप मिलेंगे, कट मिलेंगे, ब्रेकर मिलेंगे, उस पर रेस को कमाल मेन रास्ता मिले तो थोड़ा रोड मिल जाता है। अगर ट्रैक से कभी बाहर आप जा रहे हैं बैलेंस हो रहे हैं पाँव नीचे नहीं उतारना है, ब्रेक यूज करके इसको छोड़ना है। एक नंबर का मजा आया चलाने में, जैसे चूलती है ना रो 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 रो। अब चला रही मेरी बहन, उसको जरा देखते कैसे कैसे चलाएंगी। पहले ये इंस्ट्रक्शन देते हैं सारी वगैरह कि कैसे कैसे चलाना है, क्योंकि इसका हैंडल थोड़ा भारी होता है ना इसलिए। पलक को सब चीज़ समझा रहे वगैरह। और भाई मैंने गलत बता दिया था, ये 200 सीसी है जो अभी मैंने चलाई है। 200 सीसी में 600 रुपये में 3 चक्कर है, 600 रुपये में 3 चक्कर है इसके, और बाकी का मेरे को ध्यान नहीं। लेकिन इसका बता रहा हूँ, इसका सही है कि 600 रुपये में 3 चक्कर है 200 सीसी के। तो मेरी बारी तो हो गई भाई, एक नंबर के मजा आए। अब पलक की बारी, अब ज़रा पलक को देखते क्या करती है। बाकी बता गया भाई, बेचारी कांप रही है। अरे को बोल रहे हैं मास्क हटा दीजिए, बेचारी घबराहट के मारे मास्क नहीं उतार पा रही, हाथ नहीं हटा रही हैंडल से। तो बेचारी भैया बता रहे हैं कि जो 200 सीसी से ऊपर वाली जो पलक चला रही है, जिससे ऊपर वाली जो आती है वो होती है 330 सीसी, उसमें भी 3 चक्कर होते हैं, सब में 3 चक्कर होते हैं, बस उसकी पावर बढ़ जाती है। तो भाई मैं ट्राई करूँगा शायद से अगर हो सके तो, मैं 330 सीसी वाली चलाऊँगा जिसमें वो है 700 रुपये की, शायद से मैं लिख रखा तुमको दिखा देता हूँ। जी जी ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, देखो
भाई अगर किसी को आना है ना पक्का आना, जो एडवेंचर ऑफ रोडिंग से प्यार करता है। 330 सीसी वाली भैया वाली खड़ी करने गए हैं और 330 वाली लेने गए हैं, तेरे का चला चला के इसका तो यही रहता हमेशा है। तो फिर भैया 330 वाली लेने गए हैं, अब मैं चलाऊंगा 330 सीसी वाली, ये जो 700 रुपये की 3 राउंड है, ट्राई करते हैं अभी। बार बार थोड़ी ना आने वाले हैं इतनी दूर। ये आ गया अपनी 330 सीसी वाली, ज़्यादा पावर की है भाई, नहीं चला के बताते हैं। ये थी 330 सीसी वाली, मेरे को लगा 200 बहुत रहेगी, लेकिन 330 तो भाई ऐसे उठ रही थी इतनी बढ़िया। असली चीज़ तो ये है, और तो जब 400 वाली चला रही तो भाई क्या मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन अभी 400 वाली नहीं चला रहा क्योंकि बिल 2000 तक का बैठ गया। 700 रुपये की ये थी और 1200 की मेरी और बहन की हम दोनों ने करी थी उसकी थी, तो अगली बार आऊँगा तो 400 वाली चला के जाऊँगा। फिलहाल चलते हैं घर। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने घर, और ये मैंने ये लगवाया अपना महादेव का, ये मैंने खुद लगाया, बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं जहाँ गया था उसका नाम मैं खुद भूल गया उसका नाम मैं खुद भूल गया मैं कहाँ गया था यार। हाँ, वीडियो में मैंने बता दिया, तुम देख लेना नाम। ठीक है, छोटी गलती माफ़ कर देना। ठीक है, तो मैंने तुम सबको प्राइस दिखा दिए, उसमें सब बता दिया कि कैसा कैसा वहाँ सिस्टम है। तो किसी को जाना है तो चले जाना, एक नंबर की जगह है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।